सोलन के अर्की उपमंडल की पंचायत धुंधन में खुले रुद्रा पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य रुद्रा पब्लिक स्कूल प्रबंधन व स्टाफ द्वारा स्कूल की कार्यशैली व अन्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना रहा। इस मौके पर स्कूल के संस्थापक राकेश बट्टू, हरीश गौतम व प्रधानाचार्य ईशान भाटिया उपस्थित रहे। स्कूल के संस्थापक राकेश बट्टू ने बताया कि उनका ये स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें बच्चों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ संगीत, आत्मरक्षा हेतु जूडो कराटे की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही प्रबंधन की ओर से बच्चों को स्कूल बैग व ड्रेस भी निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राकेश ने बताया कि विद्यार्थी के परिवार में कोई आमदनी का जरिया ना हो तो स्कूल उस बच्चे को फ्री शिक्षा देने के लिए भी वचनबद्ध है। इस समय भी उनके स्कूल में दो ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में कोई भी आमदनी का साधन नहीं है, उन्हें भी स्कूल प्रबंधन की ओर से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सारा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, आय के साधन सबके शून्य हो चुके हैं, इसलिए उनके स्कूल द्वारा कोविड संकट को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों को दो माह की फीस माफ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वे संकट काल में सभी अभिभावकों के साथ हैं और वे उनके ऊपर किसी भी तरह के अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते हैं। मैं राकेश बट्टू, संस्थापक रुद्रा पब्लिक स्कूल धुंधन। हमने धुंधन में नया स्कूल ओपन किया है, जिसमें हमने दो महीने की फीस, अप्रैल और मई की फीस बच्चों से नहीं लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते सारी अर्थव्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। इसलिए हम भी इस महामारी में थोड़ा सा अपना सहयोग बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो इसमें हमने अपने स्कूल में स्कूल ड्रेस और अप्रैल और मई की फीस जो है वो हम माफ़ करते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से यह भी बोलते हैं कि जिन बच्चों के माता पिता किसी इनकम सोर्स में नहीं है या उनके माता पिता नहीं है, तो उन बच्चों को हम अपनी तरफ से, स्कूल अपनी तरफ से उनको शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। उन्हें बुक्स, उन्हें ड्रेस, जो भी उनका रहेगा वो मैनेजमेंट अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी शिक्षा जो है प्रदान करेगी। और इसी के साथ हमने अपने स्कूल में छोटे बच्चों के लिए संगीत शिक्षा का भी प्रबंधन किया है, जिसमें छोटे बच्चे जो है वह संगीत दूर सीखने जाते थे। तो हमने ये एक नई मुहिम चलाई है अपने स्कूल में, और इसके साथ ही साथ हमारा आत्मरक्षा का भी हमने विशेष ध्यान रखा है, खासकर बच्चियों के लिए, कि जो बच्चे जैसे उन बच्चियों में एक डर सा पैदा रहता है, तो उस डर को निकालने के लिए हमने छोटे बच्चों को आत्मरक्षा का भी प्रावधान अपने स्कूल में किया है। नमस्कार, मैं ईशान भाटिया, प्रधानाचार्य रुद्रा पब्लिक स्कूल धुंधन। सर्वप्रथम मैं अपनी मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है। ये पद चुनने के बाद सर्वप्रथम जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो शिक्षा में गुणवत्ता लाना, और जो बच्चे, क्योंकि स्कूल एक गांव के माहौल में है, गांव के माहौल के बच्चे थोड़े अपने आप को पिछड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन हम इन बच्चों को ऐसा माहौल प्रदान करेंगे जिसमें ये बच्चे आगे से बढ़कर और ज़्यादा ये निखर कर सामने आए। स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, संगीत है, जूडो है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू करने की मुहिम चलाई है, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा और स्कूल को चाहूँगा कि ये स्कूल हमारा और भी आगे तरक्की करे, चाहे वो स्पोर्ट्स है, विज्ञान है, कल्चरल है, किसी भी उसमें वो मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा।